डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए बाइनोमियल सर्च। सी यहाँ मैंने यहाँ जेड लिखा है, जेड और एस दोनों यूज होता है, आप एस भी यूज़ कर सकते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर में। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? आप एक तो क्या है कि ये हमारी बुक से थोड़ा हट के टॉपिक है, हमारे सिलेबस से, वट एवर अवर सिलेबस इज देयर ना, सो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। सो हम रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए बाइनोमियल सर्च्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स जब इरेशनल नंबर उन्होंने स्टडी किया होगा तो ये सर्च्स सुनने में आया होगा उनको, वहाँ उनको थोड़ा सा सर्च्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, वो उनको पढ़ने को मिला होगा। असली होता क्या है कि ना, क्योंकि ये हमारे बुक्स में नहीं है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हम ये बाइनोमियल सर्च्स का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो डिस्कस करने वाले हैं, तो जिस लेवल का हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली हमारी जो नाइन्थ क्लास की बुक्स लिखी गई हैं, जहाँ ये टॉपिक होना चाहिए था वहाँ पर ये है नहीं। और जो लोग NTSC की प्रिपरेशन करते हैं या कल हो के JEE मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर इसका इसका नॉलेज होना, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब स्कूल्स में क्योंकि सिलेबस में नहीं है, जो बुक्स उस तरह की जो सिलेबस की किताबें हैं उसमें उसमें इसके इस तरह के क्वेश्चन मेंशन नहीं है, तो इसलिए स्कूल में नहीं कराया जाता। लेकिन जब आप 11th क्लास में पहुँचते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने आप ये जानते हैं, आपने पढ़ लिया है। सी जब हम कोई भी सिलेबस को स्टडी करते हैं ना, जो भी हमारे डिफरेंट क्लासेस के सिलेबस हैं, तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अभी आप अगर 9th में 10th में हैं या 11th में हैं, तो 11th वालों को ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि देर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड टू अवर सिलेबस बट नॉट मैंशन इन द सिलेबस। सो मे बी दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बट एक्चुअली उसकी नॉलेज होना, उसको पढ़ना जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन पे मतलब इस टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक का मतलब इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जाए, इस टॉपिक से मुझे फ़ायदा क्या होगा? सी मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करिए कि रूट थ्री प्लस 5 to power 1/3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 to power 1/2 प्लस 5 to power 1/3, इसका मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। बाइनोमियल सर्च्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बाइनोमियल टू टर्म्स आर देयर एंड बोथ द टर्म्स आर सर्च्स, दोनों के दोनों सर्च्स के टर्म है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर एंड टू टर्म्स आर देयर, दैट इज द रीजन वी आर सेइंग इट बाइनोमियल। अब अगर इसका मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपने महसूस किया होगा कि 9th किताब में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन थोड़े ईजी क्वेश्चन हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब अगर इस 1/2 को और चेंज कर दें, सी अगर 1/2 थोड़ा सिंपल लगता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 3 to power 2/5, और यहाँ मैं 5 to power कर देता हूँ, चलो 5/11, सपोज लाइक दिस। अभी और टिपिकल और लेंदी हो गया है ना, ये और थोड़ा सा टिपिकल हो गया और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी हो गया ये। तो ओके, इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें करने हो जाएँ, इस तरह के क्वेश्चन का हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ टू फाइंड दिस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मुझे ये टू आइडेंटिटी जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए। यानी इस आइडेंटिटी का हमें अगर नॉलेज है, हम जानते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। यानी इसी आइडेंटिटी की मैं हेल्प लेने वाला हूँ। अगेन क्लास 9 की बुक में ये आइडेंटिटी मेंशन नहीं होगा, लेकिन आप इसको नोट कर लेंगे, जहाँ भी अपने अपने नोट्स बनाते हैं वहाँ नोट करेंगे और याद भी रखेंगे, ताकि जब फर्दर आगे की स्टडी में दोज हुआ 9th और 10th में हैं या 11th में भी हैं, तो 11th में जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर पाए। ये एक तरह का एक्सपेंशन है ना, एक तरह का एक्सपेंशन है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सी क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 8 to power 1/p को अगर मैं x एज्यूम कर लेता हूँ एंड 2 to power जो 1/q है इसको y एज्यूम कर लेते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। और साथ ही साथ क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम, लेट n बी द एलसीएम ऑफ, यानी हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट किया किसका, p एंड q का।
सी नाउ मैं जरा यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें पी कितना है, टू है, क्यू कितना है, थ्री है, तो हम टू थ्री का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में आता है, अब इसमें वन बाई पी नहीं है, ये टू बाई फाइव है, सो यहाँ पी मेरा फाइव हो जाएगा और क्यू इलेवन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम फाइव और इलेवन का, हम यहाँ पर फाइव और इलेवन का एलसीएम से काम चलाएंगे, क्योंकि मैंने रेंडमली फाइव और इलेवन लिखा है। फाइव और इलेवन का एलसीएम 55 आएगा, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो इतना लंबा क्वेश्चन हो, इतना लंबा लिखना पड़े कि सपोज करो उसमें 50 टर्म ही आ जाए, 50 टर्म्स आ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा। तो तुम आपको पी और क्यू एक सुटेबल नंबर्स मिलेंगे जिससे आप उसका एलसीएम थोड़ा सा ईजिली लिख सकते हो। अब अगर एन जो है वो एलसीएम है पी और क्यू का, तो एक चीज़ सोच के देखिए कि एक्स पावर एन एन वाई पावर एन ये कैसे नंबर होंगे, है ना। इस केस में एक्स पावर एन एंड वाई पावर एन बोथ बिकम बोथ आर देन रैशनल, ये दोनों के दोनों रैशनल हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों के दोनों रैशनल होंगे, सो यहाँ देखिए इसका मतलब ये एक्स पावर एन माइनस वाई पावर एन या एक्स पावर एन प्लस वाई पावर, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया। अब अगर ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, सपोज ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस वन इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, तो अभी जैसे मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अभी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर x पावर n और y पावर n रैशनल है, तो ये तो क्लियर है ना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी हुई है x टू पावर n माइनस y टू पावर n और x टू पावर n प्लस y टू पावर n, ये दोनों के दोनों रैशनल होंगे। नाउ अगर आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन x क्या लिया है, a टू पावर 1 बाई पी, और y क्या लिया है, b टू पावर 1 बाई क्यू। यानी ये जो हम जिस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन है कैसा, वो क्वेश्चन या तो x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन है। इसका अंदर ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई या x माइनस वाई, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। और इस क्वेश्चन को जैसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया, यानी ये रहा रैशनलाइजिंग फैक्टर। सिंपल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही सिंपल। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई इट इन ए क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन में 3 टू पावर 1 बाई टू एंड 5 टू पावर 1 बाई थ्री में इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करेंगे तो अभी हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 और 3? सो फॉर दिस क्वेश्चन, ओके लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। ओके, सो नाउ लेट अस कन्वर्ट इट, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास, अगर हमने क्या किया, 3 टू पावर 1 बाई टू को मैंने x लिया है एंड 5 टू पावर 1 बाई थ्री को y लिया है। ओके, सो नाउ x टू पावर 6 माइनस y टू पावर 6, x टू पावर 6 माइनस y टू पावर 6, इसका फॉर्मूला पहले लिख लें। सो आइडेंटिटी कैसे है, x माइनस वाई। अब मैं थोड़ा आइडेंटिटी को भी यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी करना क्या है, अगर नेगेटिव साइन होगा ना तो x माइनस वाई लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव साइन है तो x प्लस वाई लिखेंगे पहले। दूसरे फैक्टर में क्या करेंगे, x की एक पावर रिड्यूस कर दीजिए, एक कम कर दिया हमने। अगर आपको ये याद नहीं है तो याद करना बहुत सिंपल है, एक पावर रिड्यूस कर दिया फिर प्लस साइन। अगर ये माइनस है तो सारे प्लस होंगे। अब एक पावर और रिड्यूस करिए और y की एक पावर ले आइए, यानी टोटल पावर 5 होना चाहिए। सी यहाँ टू 5 है, यहाँ भी 4 प्लस 1 5 हो गया। देन x की एक और पावर रिड्यूस कर देते हैं और y की एक पावर को इंक्रीज कर देते हैं। x की पावर को रिड्यूस कर दिया, y की पावर को इंक्रीज कर दिया। और हम ये कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक कि x की पावर 0 नहीं हो जाए। सी नाउ x का पावर 0 हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, x टू पावर 6 माइनस y टू पावर 6 को हमने कैसे लिखा, x माइनस वाई। सी याद करने का सिंपल तरीका हो गया ना, x टू पावर n माइनस y टू पावर n लिखना है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई लिख देंगे, और अगर x टू पावर n प्लस y टू पावर n लिखना है तो x प्लस वाई लिख देंगे। अब ब्रैकेट में क्या करना है कि x की पावर को एक एक रिड्यूस करते जाएंगे n माइनस वन से स्टार्ट करके। कब तक रिड्यूस करेंगे, जब तक कि x की पावर 0 नहीं हो जाए। और y की पावर को क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीज करते जाएंगे, और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 5 तक पहुँच जाएंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। सो नाउ अब जरा इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए। सो नाउ वी हैव एक्स
एक्स क्या था एक्चुअली, एक्स क्या है, एक्स है 3 to power 1 बाई, एक्स है 3 to power 1 by 2 का होल पावर 6, माइनस माइनस प्लस था ये, हम माइनस का क्वेश्चन कर गए। ओके तो चलिए मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन √3 माइनस माइनस 5 to power 1 by 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि माइनस हम लिख चुके हैं प्लस की जगह। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस अगर प्लस वाला था तो प्लस की आइडेंटिटी को लिखना चाहिए था, बस इतना ही ना फर्क है। ओके सो नाउ 6, ये दूसरा कितना हो जाएगा, y कितना है 5 to power 1 by 3 एंड हेयर इट इज 6, 6 ना। इस स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि तो उसके बाद मुझे सिर्फ आंसर ही तो चाहिए। सो ये कितना हो जाएगा 3 to power 6 by 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि वाई वी आर टेकिंग एलसीएम, हम एलसीएम क्यों लिया था हमने पी और क्यू का, क्योंकि पी क्यू का एलसीएम लेने से क्या होगा कि जो नंबर है वो इजीली रैशनल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब इसको लिख दीजिए, एक्स कितना है 3 to power 1 by 2 और माइनस वाई कितना है 5 to power 1 by 3। अब दूसरे ब्रैकेट को लिखना शुरू कर रहे हैं, क्या करना है हमें, एक्स को रिड्यूस करना शुरू कर रहा है। यहाँ ध्यान देना है एक्स अभी हमारा क्या है, एक्स में एन कितना है, अब एन 6 हो गया है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि एन हमारा 6 हो गया है और एक्स हमारा 3 to power 1 by 2 है। लिखें क्या सी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि सो मेनी ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सो फर्स्ट कितना 6 से 6 था ना, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 5। ओके प्लस नेक्स्ट क्या होगा 3 to power 1 by 2, पावर हो गया 4। अब y को लिख दीजिए, y कितना है 5 to power 1 by 3। ओके देन प्लस अब 3 to power, x तो हमारा 3 to power 1 by 2 है ना, इसको एक पावर को इसको रिड्यूस कर देते हैं 3, एंड 5 to power 1 by 3 को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, सो हेयर वी हैव 2। ओके और लिखेंगे भी ना, अभी क्या लिखेंगे 3 to power 1 by 2 को हमने एक पावर और इंक्रीज करके बना दिया, डिक्रीज करके 2 बना दिया, और 5 to power 1 by 3 को इंक्रीज करके हमने 3 बना दिया। ओके अब ये 3 to power 1 by 2 को एक पावर और कम कर दिया, तो 1 को पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको एक पावर हमने और इंक्रीज कर दिया, और इस बार 3 to power 1 by 2 की पावर 0 हो जाएगा, जो 1 होता है। 5 to power 1 by 3 क्या हो गया 5 आ गया। लेट मी क्लोज द ब्रैकेट। ओके सो नाउ यू कंपेयर इट, है ना, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। ओके अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। सो सी ये रैशनल बन गया, ये मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ध्यान देना है 3 to power 5 by 2 प्लस 3 to power, ओके 4 by 2 इज 2 ना, सो वाई नॉट लेट अस राइट इट 9, 3 स्क्वायर इंटू 5 to power 1 by 3 प्लस 3 to power 3 by 2 5 to power 2 by 3। सी नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, 3 to power 1 by 2 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 5 to power 5 हो जाएगा, 3 और 3 into 5 15 हो जाएगा यहाँ पर। नाउ अगेन 3 to power 1 by 2, 5 to power 4 by 3 एंड प्लस 5 to power 5 by 3। सो नाउ दिस इज योर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द क्वेश्चन। अब एक चीज़ और समझ में आ गया होगा कि जब ये एक इस छोटे से क्वेश्चन का इतना बड़ा रैशनलाइजिंग फैक्टर है, तो अगर मैं इन क्वेश्चनों पे जाता हूँ जहाँ मैं नंबर 5 और 11 चूज़ करूँगा, और अगर ये 55 आएगा, यहाँ पर नंबर 55 हो जाए सपोज, आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हम ओके नाउ अब जस्ट यू एज्यूम इट कि अगर यहाँ पर 55 हो जाए और हम x2 power 55 - y2 power 55 लिखने जाएंगे, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना बड़ा होगा, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, 54 टर्म्स होंगे, क्योंकि आप 50 x की पावर 54 से स्टार्ट करेंगे और x पावर 0 तक जाएंगे, सो 55 टर्म्स होंगे, सो देयर दैट रेशनलाइजिंग फैक्टर हैविंग 55 टर्म्स।
इवन यू कैन गेस अबाउट द टर्म्स आर ऑल्सो. सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ ले जाए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन को अगर ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये देख लेना है कि जब हम 55 की पावर्स को लिखते जा रहे हैं तो हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है, दैट मीन जब हम ये पावर के नंबरों को यूज़ करेंगे तो कहीं कोई एक नंबर कैंसिल नहीं ना हो रहा है. और सी प्लस माइनस वाले में, यानी प्लस वाले में नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमने एक ऊपर प्लस का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव है. सो माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कोई टर्म कैंसिल हो जाए, वैसे होगा नहीं, इरेशनल नंबर में टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे. ऊपर वाले में तो 100% टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, ऐड भी नहीं होंगे, क्योंकि 5 और जो नंबर्स होगा ए और बी, उनकी पावर जो है ना, जो इरेशनल फॉर्म है वो डिफरेंट रहेगी. तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर में कि रेशनलाइजिंग फैक्टर में कितने टर्म्स हैं. सो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये रहा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट और मेथड. अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की, इस तरह के क्वेश्चंस को लेके, तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं सीधे आंसर भी लिख सकता हूँ, है ना. मैं ट्राई करके आंसर तक भी पहुँच सकता हूँ. एक क्वेश्चन में ट्राई करें क्या, एक क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक आंसर को डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं. मैं डायरेक्ट लिखूंगा और आपके लिए छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, कि आप बाद में चेक करके देखेंगे कि आंसर हमने सही लिखा है नहीं लिखा. सपोज और क्वेश्चन इज 2 to power, क्या करें, 1/4 ले लें, और 3 to power सिंपल ले रहे हैं, तो चलो 6 ले लेते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लिखते हैं हम लोग, है ना. हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या ले दें, प्लस साइन माइनस साइन ले दें, तो क्योंकि हमने अभी प्लस माइनस का किया था तो यहाँ प्लस लिख देते हैं. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट मैं कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, और आपको 2-4 बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है. आप बिल्कुल एक लाइन में आंसर लिखेंगे, है ना, जल्दी ही क्या होगा, जैसे आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो आंसर लिखना शुरू कर देंगे इसका. ओके, मैं सिर्फ मनी मन सोचूंगा कि इसका एलसीएम कितना है, है ना, इसका एलसीएम कितना है. अब एक और काम करते हैं, ये 2 to power 1/4, क्योंकि 2 to power 1/4 एक्चुअली 2 to power 1/2 होता है, है ना. 2 to power 1/4 को नहीं अलग नहीं कर सकते ना, सॉरी, या तो मैं कुछ अलग सोच गया था. सो ओके, नहीं ठीक है, ये 2 to power 1/4 प्लस 3 to power 1/6. ओके, अब ये मेरा एक्स है ना, और ये वाई है. मुझे ये बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है ये एक्स वाई है, और ये 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12 है. तो मुझे एक्स की पावर 11 से स्टार्ट करना है. ओके, मैंने आंसर लिखना शुरू किया 4 power 11. फिर अभी क्या है कि ये प्लस का क्वेश्चन है, तो इसमें प्लस माइनस आएगा, देन 2 to power 1/4 की पावर 10, और अब y आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो 3 to power 1/6, देन प्लस 2 to power 1/4 द होल पावर 9, 3 to power 1/6 का स्क्वायर. सी नाउ विदाउट कैलकुलेशन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग द आंसर. मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं हम सीधे आंसर लिख रहे हैं. बस क्या हो गया कि नंबर कुछ ऐसा ले लिया है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े से ज़्यादा हैं. पहले 7 वाला लिखेंगे, फिर या 4 है सॉरी 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 power लिखेंगे. लिखना तो ऐसे ही है, नहीं लिखना तो ऐसे ही है, लो रेडी हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर. बट स्टिल इस तरह का कोई क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर्स के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा. सो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूछेगा तो और हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और हम थोड़ा जल्दी लिख पाएंगे. लेकिन इस मेथड से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाएंगे. सो इस तरह के क्वेश्चन ढूंढना है और क्या करना है, थोड़ा सा अप्लाई करना है. मैं क्या करता हूँ यहाँ आपके लिए, ओके लेट मी शो यू सम ऑफ द क्वेश्चन, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू. ओके, यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए कि फाइंड ए फैक्टर विच विल रेशनलाइज दिस, एक्सप्रेस विद रेशनल डिनोमिनेटर. आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस, है ना. ये क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आपको क्या करना है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए.
और हमने उसी रैशनलाइजिंग फैक्टर को यूज़ करने के लिए कि आप उसको क्वेश्चन के अंदर यूज़ करें, हमने क्या क्या एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर 3 क्वेश्चंस और दे दिए। सो दिस इज़ फॉर यू। मैं इतने देर स्क्रीन पे था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं क्योंकि स्क्रीन पे अगर इतनी देर रहेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप एक पेपर पे और तब इन क्वेश्चनों को अप्लाई करिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये हमें ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा। सी, 9th क्लास के लिए तो बुक नहीं ठीक है, तो 9th क्लास के किसी स्टूडेंट को हम लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन जब आप क्लास जो 11th में जो IIT और सबकी JEE की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके मुंह से आपने एक बुक का नाम सुना होगा, हायर अलजेब्रा बाय हॉलन नाइट, है ना, हायर अलजेब्रा बाय हॉलन नाइट। सो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन मैंने उसी, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है वो हॉलन नाइट बुक के क्वेश्चन है, और इवन जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम दैट हायर अलजेब्रा बाय हॉलन नाइट। ओके, सो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, है ना, आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आप इनको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। सी एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग 11th 12th पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, और इसलिए जो 9th 10th क्लासेस हैं उसके लिए थोड़ा सा कम मटेरियल बन रहा है, बट दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, एक्चुअली जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और 10th क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये यूजफुल होगा। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।